18 जुलाई को बड़ा शक्ति प्रदर्शन। एनडीए का दिल्ली में पावर प्ले। बंगलुरु में पीडीए का जमघट। 24 का रण, पुराने साथी संग। एनडीए का एक्सटेंशन, विपक्ष की टेंशन। यूपी टू बिहार, एनडीए की धार। बैठक से पहले एंट्री, एनडीए को शक्ति। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। बीजेपी संघ राज्य पर 2024 के चुनाव के लिए मोदी वर्सेस ऑल की लड़ाई तेज हो गई है। एनडीए और विपक्ष की पीडीए एकजुट होकर एक दूसरे को टक्कर देने में जुट गई है। 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक है और ऐसे में दो बार के कार्यकाल के बाद एनडीए सामने आने वाले साल यानी कि 2024 में आम चुनाव में हैट्रिक लगाने का फोकस कर रही है। इसके लिए सियासी पार्टियां क्या कर रही हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ...2024 की तैयारी कौन किस पर भारी? ...18 जुलाई से शुरू बड़ी सियासी लड़ाई, दिल्ली टू बेंगलुरु। लोकसभा चुनाव 2024 यानी अगले साल होने हैं। देश में होने वाले इन सबसे बड़े चुनावों में बस 7 से 8 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में अब सियासी पार्टियां अपनी शक्ति साधने में जुट गई हैं और उसके खिलाफ एकजुट हो रहे विपक्ष में बड़े पैमाने पर रणनीति बनाने का काम चल रहा है। विपक्ष के नेताओं ने पीडीए नाम से गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन के नेताओं की एक राउंड बैठक पटना में बीते दिनों हुई थी। अगली बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होनी है। 17 जुलाई को विपक्ष के नेता बेंगलुरु में रात्रि भोज करेंगे तो वहीं 18 जुलाई को विपक्ष के नेता एक साथ बैठकर बीजेपी विरोधी रणनीति तय करने वाले हैं और उसी दिन दिल्ली में एनडीए अपने सहयोगियों को एकजुट कर बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। 2024 चुनाव से पहले 18 जुलाई की तारीख काफी अहम है क्योंकि विपक्ष की बैठक से अलग एनडीए ने अपने सहयोगियों के साथ अपना बड़ा पद दिखा करके विपक्ष को चित करने की कोशिश की है। देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ा ऐलान कर विपक्ष के आत्मविश्वास को जगमगा दिया है। यूपी में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए हैं। कल दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, उसके बाद गठबंधन में शामिल होने का ऐलान कर दिया। अमित शाह ने ट्वीट किया और कहा, ओम प्रकाश राजभर से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया है। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूँ। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों और वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। वहीं एनडीए में आने के बाद राजभर ने कहा कि पीएम मोदी की सोच को आगे बढ़ाएंगे। 18 तारीख को एनडीए में शामिल होने की घोषणा हो जाएगी। अभी तो माननीय गृह मंत्री जी की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पुष्ट होगा ना कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए। हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। जो देश में प्रधानमंत्री जी का सपना है, गृह मंत्री जी का सपना है, जेपी नड्डा जी का जो सपना है और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। आप लोग 18 तारीख को दिल्ली में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। वहीं राजभर के पाला बदलने पर सियासत भी शुरू हो गई है। राजभर जी जहां से आए थे वहीं चले गए, एनडीए में थे, आए अखिलेश यादव जी के साथ, फिर वापस चले गए। तो ये कोई नई खबर नहीं है। राजभर जी के साथ ये ठिकाना नहीं कि आज की सुबह कहाँ थी, कल की शाम कहाँ होगी, तो उसका मतदाताओं पे कोई प्रभाव नहीं। विपक्ष के नेताओं की होने वाली बैठक में 24 दलों के हिस्सा लेने की बात सामने आ रही है।
तो एक एक पुराने साथियों को साथ लेकर विपक्ष की एकजुटता को दिखाते हुए बीजेपी ने भी अपने एनडीए गठबंधन से पार्टियों को जोड़ने का काम तेज कर दिया है। देखिए महागठबंधन नाम का चीज कोई बिहार में है नहीं। लालू जी से लड़ना, लालू जी से लड़ेंगे। नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में फैक्टर है नहीं। बिहार में 40 की 40 सीट जीतेंगे। लालू जी के अराजकता को बिहार ने देखा है, क्योंकि नीतीश कुमार अब कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए कोई बिहार की राजनीति में कोई बहुत बड़ा लड़ाई होना नहीं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक बीजेपी लगातार पार्टियों को जोड़ रही है। बिहार में एनडीए के पुराने सहयोगी और खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान को भी गठबंधन में वापस लिया जा रहा है। हम पार्टी के जीतन राम मांझी पहले ही एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। वहीं इसी बीच पवन कल्याण की अगुवाई वाली जनसेना पार्टी 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बैठक में हिस्सा लेगी। पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि पवन कल्याण इस बैठक में शामिल होने के लिए 17 जुलाई को ही दिल्ली पहुंच जाएंगे। साफ है एनडीए की 26 और पीडीए की 24 दलों के साथ अलग अलग जगहों पर होने वाले इस बैठक से पहले सियासी सरगर्मियां तेज होंगी। देखना यह होगा कि दिल्ली और बेंगलुरु में होने वाले इस बैठक से पहले कितने चेहरे पाला बदलेंगे और एनडीए की बढ़ती हुई ताकत का मुकाबला करने के लिए विपक्ष के पास क्या रणनीति होगी। कैमरामैन सदाशिव के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली।